प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉर्टिंग मेथड्स बताए थे और बबल सॉर्ट को हमने अच्छे से समझा था और उसका प्रोग्राम भी बनवाया था। जैसे कि मैंने बताया था, सॉर्टिंग इज ए टेक्निक फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सॉर्टिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम एरे एलिमेंट्स को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। सॉर्टिंग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैनी मेथड्स आर यूज फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। बबल सॉर्ट को मैंने आपको अच्छे से समझाया है और उसका प्रोग्राम भी आज मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करती है। यानी यदि हम लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते जाते हैं और उसको एग्जैक्ट पोजिशन पे स्टोर करते जाते हैं। यदि हम दी हुई लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको उसकी पोजीशन पे स्टोर करते जाते हैं। यदि हम दी हुई लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तब हम फर्स्ट स्टेप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ही फाइंड करते हैं और उसकी फर्स्ट पोजीशन पे। यानी यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा। यानी इन द सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक फर्स्ट वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड इंटरचेंज इट विद द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पोजिशन। यानी सबसे पहले हम इस मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसको फर्स्ट पोजिशन पे इंटरचेंज करेंगे। यदि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है फर्स्ट पोजिशन पे ही अवेलेबल है तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन यदि किसी अदर लोकेशन पे अवेलेबल है तब हम उसको फर्स्ट पोजिशन पे स्टोर कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देन वी फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग लिस्ट। तब हम जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्मॉलेस्ट हो जाता है तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और जो सब लिस्ट है उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा, यानी लिस्ट का हमारा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को हम सेकेंड पोजिशन से इंटरचेंज कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम सेकेंड स्टेप के बाद हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों जो है असेंडिंग ऑर्डर में अवेलेबल हो जाते हैं, इस प्रकार हमारे पास जो रिमेनिंग लिस्ट होगी उसमें हम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा उसको हम थर्ड पोजीशन पे अरेंज करते हैं। और थर्ड पोजीशन, इस प्रकार थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास जो लिस्ट होगी वो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, थ्री नंबर्स हमारे सॉर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लास्ट एलिमेंट तक करते जाते हैं जिससे कि हमारी जो कंप्लीट लिस्ट है वो सॉर्टेड हो जाती है। इस सिलेक्शन सॉर्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट कॉपी कलेक्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रोल नंबर होता है उसको सबसे पहले अरेंज करते हैं और फर्स्ट पोजिशन पर रखते हैं, उसके बाद सेकेंड रोल नंबर को हम सेकेंड पोजिशन पर रखते हैं। इस तरीके से वन बाई वन हम जो लास्ट स्टूडेंट होता है उस कॉपी को हम लास्ट पोजिशन पे स्टोर करते हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए छात्रों, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी एक लिस्ट दी हुई है जिसमें 9 एलिमेंट है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 29, सेकेंड एलिमेंट 72, नेक्स्ट इज 98, 13, 87, 66, 52, 51 और 36 एलिमेंट है। तो यानी कि यहाँ पे जो दी हुई लिस्ट है उसमें 9 एलिमेंट है और इस लिस्ट को हम सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है वो 29 है, लेकिन हमें करना क्या है कि इस कंप्लीट लिस्ट में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसको फाइंड करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है वो 13 है, इसलिए हम क्या करते हैं 13 एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है उसको एक टेम्परेरी नंबर की हेल्प से
उसमें आपस में स्वैप कर देते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट को 13 पोजीशन पर रख जाते, 13 की पोजीशन पर रख देते हैं और 13 को फर्स्ट पोजीशन पर रख देते हैं। जैसे कि 13 जो है हमारा, यदि 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 यानी A3 लोकेशन पे है, तो हम A3 को A0 से इंटरचेंज कर देते हैं और इस प्रकार सेकंड स्टेप में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है वो 13 हो जाता है, नेक्स्ट इज 72, नेक्स्ट इज 98, नेक्स्ट इज 29, इस प्रकार जो बाकी लिस्ट है वो सेम रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड स्टेप में जो रिमेनिंग लिस्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं 72 से, यानी A1 से, और रिमेनिंग लिस्ट में हम चेक कर रहे हैं कि जो 29 है वही क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इस प्रकार स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी 29 को हम सेकंड पोजीशन यानी A1 पर रखते हैं, 72 की पोजीशन पर रखते हैं और इन दोनों नंबर को टेम्परेरी नंबर की हेल्प से फिर स्वैप कर देते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है तो हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। तो प्रिय छात्रों, हम जैसे देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 13 हो जाता है, सेकंड 29, ये दोनों नंबर हमारे जो है आपस में सॉर्टेड हो जाते हैं यानी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग लिस्ट है वो लिस्ट हमारी इस प्रकार है, 98, 72, 87, 66, 52, 51 और 36। तो रिमेनिंग लिस्ट में अब हम चेक कर रहे हैं कि जो 36 है वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर 36 को थर्ड पोजीशन यानी 98 की पोजीशन पे इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में स्वैप कर देते हैं। तो इस प्रकार थर्ड स्टेप के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें फर्स्ट थ्री नंबर्स 13, 29 और 36 सॉर्टेड हो जाते हैं और जो रिमेनिंग लिस्ट हमारे पास बचती है वो बचती है 72, 87, 66, 52, 51 एंड 98। अब हम जो रिमेनिंग लिस्ट है उसमें चेक कर रहे हैं कि जो 51 है वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट 51 को हम फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है 72 उससे कम स्वैप करते हैं और इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लिस्ट आती है 13, 29, 36, 51 सॉर्टेड हो जाते हैं और जो रिमेनिंग लिस्ट है उस लिस्ट में हम चेक कर रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 52 है। अब हम 52 को फिफ्थ पोजीशन पे रखते हैं और फिफ्थ पोजीशन पे जो है 87 उसको 52 की पोजीशन पे रखते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों नंबर को स्वैप कर देते हैं और स्वैपिंग के बाद हमारे पास जो लिस्ट आती है वो लिस्ट हमारी इस प्रकार बनती है 13, 29, 36, 51, 52। ये नंबर्स हमारे यहाँ तक के सॉर्टेड हो जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाते हैं और जो रिमेनिंग लिस्ट है उसमें चेक कर रहे हैं कि जो 66 नंबर है वो उसी पोजिशन पर है, इसलिए इसको किसी और नंबर से स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इसी नंबर पे आना है, इसी सीक्वेंस में आना है जिस सीक्वेंस में ये ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कि जो हमारे नंबर है 87, 72 और 98, तो इन दोनों नंबर में हम चेक कर रहे हैं कि जो 72 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और उसको कहाँ आना चाहिए, 87 से पहले आना चाहिए, यानी 87 की पोजिशन को 72 से स्वैप कर देते हैं। तो स्वैपिंग के बाद हमारे पास ये नंबर इस तरीके से आते हैं और इसी प्रकार जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 98 को हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये नंबर जो है ऑलरेडी लास्ट पोजीशन पे है और लार्जेस्ट नंबर है। तो 87 इज द स्मॉलेस्ट सो इट इज नॉट स्वैपिंग, इसको स्वैप नहीं करते। उसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में 98 जो है वो ऑलरेडी अपनी पोजिशन पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि जो लिस्ट अवेलेबल होती है ये सॉर्टेड लिस्ट कहलाती है और इस सॉर्टेड को हमने किस टेक्निक से किया है, इस सॉर्टेड को हमने किया है सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक से। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी और ये एग्जाम्पल हमने जो है सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक से सॉर्ट किया है, इसलिए ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा और लास्ट में हमारे पास जो लिस्ट बचती है वो सॉर्टेड रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से
समझ सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम और उसका प्रोग्राम समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।